नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज, मैं हूं आपके साथ ऋतिक। बाढ़ में रेलवे ड्राइवर की सूझबूझ से एक बड़ी घटना टल गई। दरअसल बाढ़ और अथमल गोला रेलवे स्टेशन के बीच पोल नंबर 487 रेलवे क्रॉसिंग पर टेम्पो देख ब्रह्मपुत्र मेल ट्रेन के ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर हादसे को टाल दिया। क्रॉसिंग पार कर रहा था। क्या क्रॉसिंग पार कर रहा था? रेलवे क्रॉसिंग टेम्पो। हाँ, और वहीं पे फंस गई। इसका ड्राइवर डर के छोड़कर भाग गई। टेम्पो ड्राइवर जी हाँ। टेम्पो में सवार था आदमी? नहीं, सवार तो नहीं था, खाली जा रहा था। खाली जा रहा था, इमरजेंसी ब्रेक मारते हुए भी। विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं बाढ़ से अनिल। अनिल, इतना बड़ा हादसा होते होते टल गया, सामने से टेम्पो जा रहा था और सामने से ट्रेन आ रही थी, आखिर वहां पर इतना बड़ा जो हादसा होते होते टल गया है, ड्राइवर की सूझबूझ बताई जा रही है, क्या कुछ वहां से निकल के सामने आया आपके पास? जी देखिए, दानापुर रेल मंडल के पटना मुकामा रेल खंड पर बाढ़ और अथमल गोला के बीच पोल संख्या 487 पर एक रेलवे क्रॉसिंग है। उसी क्रॉसिंग पर एक टेम्पो पार कर रही थी और टेम्पो अचानक पटरी पर जाते ही बंद हो गई। ड्राइवर भी, टेम्पो ड्राइवर भी अपनी जान बचाने के लिए टेम्पो को रोड पर ही छोड़कर, ट्रैक पर ही छोड़कर भाग चुका। और उधर से आ रही थी ब्रह्मपुत्रा मेल के ड्राइवर, जब ट्रैक पर देखा कि टेम्पो लगी हुई है तो ड्राइवर के भी हाथ पांव फूल गए। उन्होंने सोचा कि ये ग्रामीण इलाका है और जरूर टेम्पो खचाखच भरी होगी। अनिल ये बताइए कि चलिए हादसा होते होते टल गया, लेकिन रेलवे फाटक नहीं गिराया गया था क्या? रेलवे फाटक पार करके टेम्पो इस तरह थोड़ी पटरी पार करके चला जाएगा क्या? रेलवे जो फाटक गिराते हैं, उन लोगों ने फाटक नहीं गिराया था वहाँ पे जब ट्रेन आ रही थी? तो नहीं है सर, वो मानव रहित है, मानव सहित फाटक नहीं है, फ्री है, वहाँ फाटक है ही नहीं। अच्छा, यानी कि इससे पहले भी कई हादसे वहाँ पर हो चुके हैं? कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन अब तक वहाँ पर मानव सहित फाटक नहीं बनाया गया है और न उसको गिराने की व्यवस्था है, इसलिए लोग जब चाहते हैं, जब पटरी पार कर जाते हैं, क्रॉसिंग हो जाती है। ग्रामीण इलाका है, बहुत सारी गाड़ियां चलती है जी। वो गाड़ी देखकर टेम्पो का भी वही हाल हुआ कि वो पटरी पर अचानक बंद हो गई, ड्राइवर ठीक है। ठीक जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए अनिल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। फिलहाल खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, बने रहिए नेशन न्यूज के साथ, धन्यवाद।